अब बात दिल्ली के चुनावी दंगल की कर लेते हैं। कल शाम को 7:02 पर आम आदमी पार्टी ने अपनी लिस्ट को जारी कर दिया है, उम्मीदवारों के नामों को घोषित कर दिया है, जिसमें 24 नए चेहरे और 15 नाम काट दिए गए हैं। इसको लेकर अब मारामारी भी शुरू हो चुकी है। जिन लोगों के टिकट काटे गए हैं, जिन विधायकों के टिकट काटे गए हैं, वो पार्टी से इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं या बगावत की बात कर रहे हैं। लेकिन अब हलचल बीजेपी और कांग्रेस खेमे में भी बढ़ चुकी है, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी के बाद लोगों की नजरें इन दोनों राजनीतिक पार्टियों पर भी टिकी हुई हैं कि आखिर ये कब अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी करते हैं। बीजेपी के लिए कहा जा रहा है कि 16 जनवरी को बीजेपी, यानी कि कल, बीजेपी की एक कोर कमेटी की बैठक होगी। उसमें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। उस पर चर्चा की जाएगी, उसमें चर्चा की जाएगी उम्मीदवारों के नामों पर, और उसके बाद में फाइनल लिस्ट सभी के सामने होगी। इसी के साथ में अगर बात हम कांग्रेस की करें तो कांग्रेस की तरफ से ये माना जा रहा है कि कांग्रेस बड़े चेहरों को शामिल कर सकती है। हालांकि जो लोग कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, लगभग सभी को टिकट की लिस्ट में शामिल किया गया है। हम विनय कुमार मिश्रा की बात करें, हम और जो लोग शामिल हुए, 5-6 सीटें लोगों को दी गई हैं जो नए उम्मीदवार आए हैं। हम राम सिंह नेताजी की बात करें, राजकुमारी ढिल्लों, डीपू चौधरी, तो ये तमाम वो लोग हैं जो कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी का रुख कर चुके हैं और आम आदमी पार्टी ने इन्हें टिकट दिया है। ऐसे में कांग्रेस अब किन लोगों को टिकट देती है, किस तरीके से टिकट का वितरण करती है, सियासी समीकरण कैसे बिठाती है, ये तमाम चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं। और आम आदमी पार्टी के बाद अब सभी की नज़रें बीजेपी और कांग्रेस पर टिकी हुई हैं। इन दोनों ही बड़ी पार्टियों ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। बीजेपी के लिए यह कयास भी है कि क्या बीजेपी और जननायक जनता पार्टी एक साथ चुनाव लड़ेंगे। कहा यह जा रहा है कि जेजेपी कुछ सीटों की मांग कर रही है और बीजेपी जेजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। और जो हरियाणा से लगे हुए इलाके हैं जहां पर जाट वोटर्स ज्यादा है, ऐसी जगहों पर अगर बीजेपी जेजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ती है तो वहां पर जेजेपी को टिकट दे सकती है, इस पर भी चर्चा होनी है। बात अगर हम कांग्रेस की करें तो कल हमने आपको टोटल न्यूज पर दिखाया था कि कांग्रेस आरजेडी के साथ गठबंधन कर सकती है, सूत्रों के हवाले से हमें यह खबर मिली थी। और आरजेडी इन चुनावों में 7 सीटों की मांग कर रही है। इसी पर अभी मंथन का दौर जारी है इन दोनों पार्टियों में, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने पत्ते साफ कर दिए हैं कि इस विधानसभा चुनाव में वो किन उम्मीदवारों के साथ में चुनाव लड़ने जा रही है। 5 ऐसे नए नाम भी हैं जो शामिल किए गए हैं, 24 नए चेहरे शामिल किए गए आम आदमी पार्टी से ही। 5 वो हैं जो कांग्रेस या बाकी दलों को छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। 15 मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया गया है, सभी मंत्रियों को टिकट दिया गया है। और इसी के साथ में 3 ऐसे नाम भी हैं जो लोकसभा चुनाव भी लड़े थे लेकिन वहां पर करारी शिकस्त हुई थी, उसके बावजूद भी उन्हें टिकट दिया गया, जिसमें आतिशी मालनी, दिलीप पांडे, ये 2 बड़े नाम हैं। आतिशी मालनी को सेफ सीट, कालकाजी से चुनाव लड़ेंगी। और अब देखना होगा कि पहली लिस्ट आम आदमी पार्टी ने तो जारी कर दी है, अब बीजेपी और कांग्रेस अपने पत्ते कब खोलती है और किन उम्मीदवारों को आम आदमी पार्टी ने, जो ये उम्मीदवार रखे हैं सामने, इनके लिए चुनौती के लिए खड़ा करती है। तो अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो 8 महिलाओं को टिकट मिले हैं, जबकि 2015 में सिर्फ 6 महिलाएं थी जिनको टिकट दिए गए थे। बात अगर हम मुस्लिम उम्मीदवारों की करें तो 5 मुस्लिम उम्मीदवारों को इस बार शामिल किया है आम आदमी पार्टी ने, और जिसमें मटिया महल सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार हैं, बली मारान सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार हैं, ओखला सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार हैं, सीलमपुर, मुस्तफाबाद। और लोकसभा चुनाव लड़ चुके दिलीप पांडे, आतिशी और राघव चड्ढा को भी टिकट दिया गया है। 2020 विधानसभा चुनाव है ये, दिल्ली में 8 फरवरी को वोटिंग होगी, 11 फरवरी को नतीजे सभी के सामने होंगे। आम आदमी पार्टी ने अपनी लिस्ट को साफ कर दिया है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस ने अभी तक लिस्ट साफ नहीं की है कि कौन कौन उनके उम्मीदवार होने वाले हैं। लेकिन दोनों ही पार्टियों के लिए यह कयास है कि ये चुनावी मैदान में हो सकता है अकेले ना लड़े, सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव मैदान में उतरे।